ठीक है आ जाओ। ठीक है एक राउंड और ले लीजिए। आ जाओ। ठीक है अभी कहाँ पे दर्द हो रहा है? सर यही होता है। हाँ हाँ एक तरफ कभी कभी इधर भी होता है। अच्छा बैठते उठते कुर्सी पे? कुर्सी पे बैठते उठते हैं। उठते बैठते समय दर्द होता है? उतना नहीं होता, हल्का होता है, ज़्यादा नहीं होता। अच्छा रात को सोते समय करवट बदलते समय कभी काल होता है? ऐसा हमेशा नहीं कभी होता है। अच्छा और सुबह उठते पैर पहला कदम रखते तब दर्द होता है? हल्का होता है। अच्छा कितने समय से दर्द हो रहा है सर? मतलब पहले मेरे को यही 9-1 साल लगभग होने वाला है, तो वैसे मैं काम करता था तो वैसे जब कोई वजन उठाया तब एक दिन दर्द हुआ, उसके बाद दवा लिया तो आराम हो गया था, तो फिर दोबारा नहीं दिखाया डॉक्टर का, मैं सोचा नस वस होगा। हाँ तो उसके बाद फिर अभी मेरे को 2 महीना हुआ ऐसा काम कर रहा था, ऐसा सीट था ग्रेनाइट का पत्थर का, तब से फिर दर्द होने लगा, फिर आके MRI करवाया तो उसमें मतलब कोविड वोविड नहीं हुआ था? कुछ कोविड नहीं हुआ था सर। अच्छा कोई दवा कोई खुजली की दवा खाई हो, कोई टाइफाइड डेंगू? टाइफाइड एक बार हुआ था लेकिन मतलब वो 2 साल हो गया। हाँ ठीक है 2 साल ठीक है। और डेंगू? डेंगू वही एक बार हुआ था। डेंगू भी हुआ? एक बार मैं गाड़ी से गिरा था, 3 साल हो गया, 3-3.5 साल ऐसा गाड़ी चला रहा था तो ऐसा नीचे गिर गया था। अच्छा हाँ तो तीनों कारण हो सकते हैं, तीनों में से कोई भी, डेंगू टाइफाइड में भी स्ट्रेट चलता है और गिरने की वजह से भी हो सकता है, अभी देखते हैं। एक्सरसाइज किया मेरा वाला? हाँ सर आपका एक्सरसाइज करते हैं। कितने दिन किया सर? मतलब जब से देखा ना, जब पता लगा आपका वीडियो सर्च किया ना तब से सर मतलब करते हैं। उससे फ़ायदा देखा कुछ? हाँ मतलब आराम रहता है, फ्री रहता है, ऐसा मतलब रिलैक्स आराम दिखता है। ठीक तो देखते हैं 7 डेज में क्या चलता है। ठीक आ जाओ। ठीक है कोई लिपिंग ही नहीं है, सही है। एक राउंड और ले लो, एक राउंड और ले लो। एक मिनट एक मिनट साइड में चलो आ जाओ इस तरफ आ जाओ। तो क्या नाम है आपका? मंजय चौहान। मंजय चौहान जी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे अभी? सर एक्सपीरियंस ठीक है, मतलब आराम है अभी। ठीक है क्या क्या चीज़ों में आराम दिखा? मतलब ये जो दर्द था उतना दर्द अभी नहीं हो रहा है, चलने वलने में भी आराम है। चलने में भी ठीक है? ठीक है। और रात को सोते समय दर्द? रात को सोते समय नहीं दर्द होता है, नहीं दर्द वैसे कभी काले से बैठने पे इधर होता था, अभी उतना हो रहा नहीं रहा। ठीक है ठीक है चलो बढ़िया। तो ट्रीटमेंट से हैप्पी हो? हाँ सर थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग आयुर्वेद शारदा नगर कानपुर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एट सौभाग आयुर्वेदा, स्पेशलिस्ट इन एवियन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स एवियन की सीरीज़ में एक पेशेंट और हैं जो कि हमारे पास अयोध्या से आए थे और इनका नाम है मंजय चौहान। तो मंजय जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए फ्रॉम द बिगिनिंग आपको कब और कैसे पेन स्टार्ट हुआ? सर मतलब मैं नासिक में था ना, ऐसे जब कभी काल ऐसे चलता था ना तो ऐसा हल्का हल्का दर्द होता था, तो उसके बाद मैं सोचा ऐसा कोई नस का दिक्कत होगा, तो फिर मतलब ऐसे मतलब दवाई वाई लिया उसके बाद आराम हो गया था। फिर 4-5 महीने बाद ऐसा जब कुछ उठाता था तो दर्द होने लगा, तो उसके बाद फिर डॉक्टर को दिखाया तो उन्हें MRI किए, तो MRI में मतलब बोले आपको मतलब फर्स्ट का एवियन है, तो वही मतलब सर मतलब तो आपका नंबर। कब की बात है ये सर? मतलब इसको आज से कितने साल पहले या कितने? अभी मतलब सर 8-8 महीना हुआ। 8 महीना पहले? अच्छा फिर आपने कहा कि अब मेरे बारे में कैसे पता चला सर आपका? फिर मतलब बोले प्लेसमेंट करने का, तो मैं बोला मोबाइल पे देखा तो आपका वीडियो देखा तो आप मतलब आयुर्वेदा से मतलब उसमें ठीक होता है उपचार, इसलिए मैं मोबाइल फिर देख के फिर आपके पास फोन करके आया कॉन्टेक्ट करके। ठीक है तो अभी जैसे एक सीटिंग हो गया तो अभी आपका कैसा एक्सपीरियंस है? कैसा सर ऐसा आराम है अभी मतलब आराम है पहले से? आराम है। इन 7 डेज में आपको आराम दिखा? क्या क्या आराम दिखा जैसे? सर मतलब जो ऐसा मतलब जो दर्द होता था दर्द ऐसा होता नहीं है, अभी चलने में सीधा भी चलते हैं, ऐसा चलने कोई दिक्कत नहीं सर, चलने फिरने में ऐसा गाड़ी भी चलाने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, कुछ भी करता हूँ ऐसा मेरे को दिक्कत नहीं महसूस नहीं होता है। वेरी गुड केवल लेकिन ये जो एवियन है उसको ठीक हो जाए बस। हाँ अभी तो ये पहली सीटिंग है, पहली सीटिंग में कम से कम इतना हो गया कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ चला सकते हैं
और थोड़ा बेटर है आपका कंडीशन। सर मैं बैठने में कुछ भी मेरे करने में दिक्कत नहीं है, कुछ अभी गाड़ी में चलाऊं 100 किलोमीटर तभी मेरे को दिक्कत नहीं होता है। केवल ऐसा इधर दर्द वही होता है जब मतलब देखते हैं, ऐसा नहीं उतना मतलब साइकिल चलाऊं गाड़ी चलाऊं या बैठूं या कैसे भी कुछ भी करूं ऐसा दिक्कत नहीं, जब वजन उठाता हूं तो मेरे को वही दिक्कत होता है। ठीक है ठीक है, बस फिर उम्मीद करते हैं कि अपनी सेकंड सीटिंग जब आप 2 मंथ्स बात करेंगे उससे पहले ही आपको थोड़ा और बेटर बताओगे, और सेकंड सीटिंग के बाद तो एकदम बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट होता है उसमें। ठीक है, तो मंजय जी और भी जितने भी एवियन के पेशेंट हैं उनको आप क्या सलाह देंगे? जैसे कि सर मतलब जिसको एवियन हो आपसे मतलब मोबाइल पे आपका मतलब वीडियो देखे आपसे कॉन्टेक्ट करे और आपके पास आके इलाज कराए, इलाज सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल है, ठीक है। तो जिस तरह से मंजय जी को प्रॉब्लम थी और काफ़ी हद तक इन्होंने जल्दी स्टेप ले लिया और मतलब फटाफट अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और इनको यहाँ पे आके एक सुविधा मिल गई, एक आराम मिल गया। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी लोग अपना ट्रीटमेंट जल्द से जल्द कराएंगे और इस प्रॉब्लम से जल्द निजात पाएंगे। तो ठीक है मंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मैं दौड़ता हूँ, दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं, केवल कभी काल इधर दर्द होता है वही दिक्कत है और कुछ नहीं। बस ठीक है, वो इतना ज़्यादा पेशेंट दौड़ने लग जाए एवियन वाला बस इससे बेटर हो गया चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी लोग हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सो दैट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन आप लोग मिलता रहे। टिल देन नमस्कार। नमस्कार।